इस वीडियो में हम इंडिया मार्ट इंटरमेश के कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जिसका यूज आप स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं। ये सवाल एक व्यूअर्स ने पूछा कि इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में हमें बताइए, तो कंप्लीट रूप से हम इसमें आपको बताने वाले हैं टेक्निकल चार्ट की मदद से कि इंडिया मार्ट इंटरमेश में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्टॉक का जो पैटर्न है वो वीकली चार्ट का है। यहाँ पर डबल टॉप लगाया, देखिए डबल टॉप कुछ इस तरह से होता है। डबल टॉप लगाने के बाद स्टॉक कंप्लीट रूप से बेयरिश मोड में है और इसका जो नेक लाइन है इस नेक लाइन को ब्रेक किया और इस नेक लाइन से जितना इसका हाइट था उतना ये डाउन भी आ चुका है। और इस स्टॉक का चार्ट इतना वीक है कि कोई भी यहाँ पर हमें पुल बैक भी देखने नहीं मिला, कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने नहीं मिला। जैसे देखिए यहाँ पर गिरावट आया, एक पुल बैक आया और ये डबल टॉप बनाया, उस तरह का कोई पुलबैक हमें यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है। तो जब पुलबैक भी नहीं आ रहा है मतलब बायर्स इसमें मौजूद ही नहीं है, बायर कंप्लीट रूप से इस स्टॉक से बाहर है। तो ये स्टॉक कितना गिरेगा इसका कोई भी लिमिट नहीं है क्योंकि बायर इसमें पूरी तरह से गायब है। अगर यहाँ पर हमें बीच बीच में पुलबैक देखने मिलता, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पुलबैक, तो हम कहते हैं ये स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवरी कर सकता है यहाँ से। लेकिन आप देखिए इस स्टॉक में बायर है ही नहीं, जब वायर है ही नहीं और ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रखा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें इसमें कोई भी बुलिश मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो वीकली चार्ट पर स्टॉक कंप्लीट रूप से यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है और ये ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कोई भी यहाँ पुल बैक या फिर ट्रेंड चेंज देखने नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये स्टॉक कोई भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं बना रखा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर राहत की बात यह है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। तो देखिए जब यहाँ देखिए बीच बीच में ये स्पाइक देखने मिला है बाइंग वॉल्यूम में, तो जब तक यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम का स्पाइक हमें देखने नहीं मिलता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने पर स्टॉक रिकवरी दिखा सकता है। ये सिर्फ एक वॉल्यूम बता रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम में स्पाइक थोड़ा बहुत हमें बाइंग वॉल्यूम में स्पाइक देखने मिला है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बता रहा है कि स्टॉक पूरी तरह से बेयरिश है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बताएगा कि यह बुलिश होगा, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पर कोई एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल बनाता है स्टॉक वीकली चार्ट पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी कर सकता है, पुल बैक दे सकता है या ट्रेड को चेंज कर सकता है। देखिए अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। अब देखिए डेली चार्ट पे भी सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो डेली चार्ट पे हमें कुछ खास देखने नहीं मिला। सिर्फ यहाँ पर देखिए हमें सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ पर स्टॉक आया था, थोड़ा सा यहाँ पर गया, इस ट्रेंड लाइन को मतलब ये जो रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन है इसको हिट किया, फिर वापस नीचे गिर गया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट थोड़ा सा बनता हुआ हमें देखने मिला है, तो ये सपोर्ट है। तो डेली चार्ट पर यहाँ पर एक सपोर्ट थोड़ा सा बन रहा है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मतलब ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक वीक हो जाएगा चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट दोनों पर चार्ट पैटर्न लगभग सेम ही है। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट पर। तो 15 मिनट चार्ट पर हम देखें तो ये स्टॉक यहाँ पर जो डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश किया लेकिन कुछ खास यहाँ पर हमें देखने नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए वॉल्यूम में स्पाइक आया है, बाइंग वॉल्यूम में, ये जो है रिटेलर का वॉल्यूम है। जैसे स्टॉक काफी ज्यादा गिर जाता है तो रिटेलर्स लोग यहाँ पर स्टॉक को सस्ता समझकर बाय कर रहे हैं। लेकिन हमें बाय कब करना है, जब इसमें बड़े प्लेयर जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग करे। लेकिन यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट की बात करते हैं तो अभी तो स्टॉक पूरी तरह से बेयरिश है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो 15 मिनट पे हमें एक ये ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। तो अभी तो ये 15 मिनट चार्ट पे भी वीक है, डेली और वीकली चार्ट पे पूरी तरह से वीक है, यहाँ तक कि ये 15 मिनट चार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन तो छोड़िए, एक ट्रेंड लाइन है आप अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो मतलब ये स्टॉक पूरी तरह से बेयरिश है। तो ये स्टॉक बुलिश कब होगा, तो ये स्टॉक देखिए आपको हम बताते हैं कि बुलिश कब होगा। तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, जो वीकली चार्ट डेली चार्ट पे हमारा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है इस ट्रेंड लाइन का और एक दो दिन इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाएगा। अब देखिए बुलिश कब होगा, तो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली चार्ट का भी है, डेली चार्ट का भी, और देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी है, इसको ब्रेक करे स्टॉक, इसको ब्रेक करे, यहाँ पर इसको यहाँ पर ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पर निकलेगा तो जो नियरेस्ट रेसिस्टेंस है, तो देखिए ये नियरेस्ट रेसिस्टेंस है इस स्टॉक का, इसको भी ब्रेक करे। जब इस नियरेस्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब जाकर ये स्टॉक बुलिश होगा। तो नियरेस्ट जो रेसिस्टेंस है वो भी ब्रेक होना चाहिए। तो ये रेसिस्टेंस लेवल कहाँ पे है? इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद इसके ऊपर निकलेगा 5400 के, तब जाकर कि ये स्टॉक बुलिश होगा, क्योंकि ये स्टॉक काफी लंबे डाउन ट्रेंड में है। लंबे डाउन ट्रेंड में जब तक ये अपना एक रेंज नहीं बना लेता है, रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेक नहीं कर देता है, तो एक तरह से समझिए रेंज है। जो नीचे का लेवल है 3800, ऊपर का है 5400, इसको ब्रेक नहीं करता है 5400 को, तब तक ये स्टॉक बुलिश नहीं होगा। तो ये जो एनालिसिस है ये पूरी तरह से ट्रेडिंग पर्पज से है। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं स्टॉक को कब, जब 5400 के ऊपर निकलेगा, तब यहाँ से आपको मोमेंटम मिलेगा इस स्टॉक में। आप देखिए इन्वेस्टिंग पर्पज से आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम कंपनी के बिजनेस को देखते हैं, कंपनी का बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। तो इस स्टॉक पे अभी आपको करना क्या चाहिए? अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलता है तो आप इसको इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, और इस स्टॉक को अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।